नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल। दोस्तों आज मैं इस वीडियो में लेके आया हूं आपके सैमसंग के फोन के लिए ऐसे तीन सुपर ट्रिक्स जो आपके फोन को और सुपर बना देगी और आपको एक प्रो यूजर बना देगी, क्योंकि ये जो सुपर ट्रिक्स है काफी कम लोगों को पता है, तो आप हो जाओगे इन सुपर ट्रिक्स को जान के एक प्रो यूजर। और दोस्तों ये जो सुपर ट्रिक्स है, ये सुपर ट्रिक्स इसलिए है क्योंकि इसे यूज करने के लिए आपको सेटिंग्स में कोई भी चेंजेस नहीं करने पड़ते या फिर कोई भी सेटिंग्स को आपको इनेबल डिसेबल नहीं करना पड़ता। तो दोस्तों सबसे पहले जो सुपर ट्रिक है वो ये है कि जैसे कि आपको पता होगा, अगर होम स्क्रीन पे कोई भी ऐप होता है, अगर उस ऐप के आइकन को आपको एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे यहाँ पे मूव करना है तो हमें ड्रैग करना पड़ता है। जैसे आपको पता होगा, अगर मैं सबवे सर्फ को ये जो यहाँ पे आइकन है उसे यहाँ पे मूव करना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, लॉन्ग टैप करूंगा और इसे यहाँ पे ड्रैग करूंगा इस तरीके से, ठीक है। ये सिंपल तरीका होता है, लेकिन सुपर ट्रिक ये नहीं है। सुपर ट्रिक क्या है आप गौर करना, मैं अभी क्या करूंगा। तो सुपर ट्रिक अब देख सकते हो आप, मैं इसे किस तरह से मूव करूंगा। आपने देखा किस तरह से मैंने मूव किया, मैंने यहां पे ड्रैग नहीं किया। अगर मुझे टेंपल रन को यहां पे मूव करना है, आपने देखा दोस्तों, आप अगर गौर करोगे तो मैं ये कैसे कर रहा हूं। अगर मुझे कॉल ऑफ ड्यूटी यहां से उठाकर यहां पे रखना है तो मैं क्या करूंगा, इसे लॉन्ग टैप करूंगा सबसे पहले, और फिर जहां पे मुझे रखना है वहां पे मैं उंगली रखूंगा और फिर ये जो दूसरी उंगली है मेरी ये वाली, इसे उठा दूंगा और जो ऐप होगा यहां पे आ जाएगा, ठीक है। फ्री फायर को अगर मुझे ऊपर रखना है तो मैं यहां पे लॉन्ग टैप करूंगा, यहां पे उंगली रखूंगा और ये उंगली उठा दूंगा। तो आप इस तरीके से बिना ड्रैग किए किसी भी होम स्क्रीन पे किसी भी ऐप को जहां चाहे वहां पे मूव कर सकते हो। आपको ड्रैग करने की जरूरत नहीं है, ये काफी आसान तरीका है। हालांकि पहली बार जब आप इसे यूज करोगे तो आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन आप जब बार बार इसे यूज करोगे तो आप इसमें प्रो बन जाओगे और आपको इसे यूज करने में काफी मजा आएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, आपको पता होगा जब भी आप किसी फोटो को व्हाट्सएप में शेयर करते हो तो व्हाट्सएप में जो फोटो होती है वो कॉम्प्रेस हो जाती है और उसके कारण फोटो की क्वालिटी खराब हो जाती है और फिर आपको खराब क्वालिटी में फोटो को शेयर करना पड़ता है। लेकिन दोस्तों अगर आप अच्छी क्वालिटी में डिटेल के साथ अपनी फोटोज को शेयर करना चाहते हो व्हाट्सएप में, तो आप ऐसा कर सकते हो। उसके लिए मैंने आपको पहले भी एक तरीका बताया था, आप अपनी फोटोज को पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको किसी भी फोटो को, जिस फोटो को आपको शेयर करना है उसे आपको ओपन करना है, फिर आपको यहाँ पे शेयर के बटन पे टैप करना है और फिर आपको यहाँ पे मिल जाएगा प्रिंट। आपको यहाँ पे प्रिंट पे टैप करना है, यहाँ पे बन जाएगी प्रिंट। आपको यहाँ पे लेटर जो है पेपर साइज लेटर यहाँ पे सिलेक्ट करना है, लैंडस्केप आपको जैसा रखना है वैसा पोर्ट्रेट, फिर ये फोटो मिल जाएगी। आपको यहाँ पे पीडीएफ के आइकन पे टैप करना है। लेकिन दोस्तों इसमें प्रॉब्लम ये है कि आप एक साथ एक ही फोटो को शेयर कर सकते हो, लेकिन अगर आपको मान लो यहाँ पे जो फोटोज है, मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 फोटो मुझे एक साथ सेंड करनी है तो कैसे करोगे, क्योंकि अगर आप इन्हें सिलेक्ट करते हो इस तरीके से तो 8 फोटोज आप अगर यहाँ पे सिलेक्ट करके शेयर करना चाहते हो तो शेयर में आपको यहाँ पे प्रिंट का जो ऑप्शन है नहीं दिखाई देगा, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो दोस्तों उसके लिए आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, जिन किसी फोटो को यहाँ पे आपको शेयर करना है एक साथ, आपको उन्हें इस तरीके से सिलेक्ट करना है, फिर आपको यहाँ पे करना है शेयर और फिर आपको यहाँ पे क्रिएट नोट का ऑप्शन होगा, ठीक है। यहाँ पे हो सकता है, फिर यहाँ पे हो सकता है, तो आपको क्रिएट नोट पे टैप करना है और यहाँ पे करना है क्रिएट नोट और फिर जो फोटोज होंगी यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। आपने जो भी फोटोज यहाँ पे डाली हुई है आपको यहाँ पे कोई भी नाम दे देना है फोटोज, आप नाम नहीं भी दोगे चलेगा, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ नाम फोटोज और फिर आपको यहाँ पे करना है सेव। सेव करने के बाद आपको यहाँ पे शेयर का जो बटन है ऊपर में उस पर टैप करना है और यहाँ पे करना है पीडीएफ फाइल। और ये जो सारे फोटोज है, जो मैंने 8 फोटोज सिलेक्ट किए हैं, वो सारे फोटोज अब पीडीएफ फाइल बन गई है। और मान लो मुझे व्हाट्सएप पे शेयर करना है तो मैं व्हाट्सएप पे शेयर करूंगा और जिस कॉन्टैक्ट को मुझे सेंड करना है उस पर यहाँ पे टैप करूंगा और फिर यहाँ पे जो फोटोज होंगी सेंड हो जाएगी पीडीएफ फाइल में, आप यहाँ पे देख सकते हो। और यहाँ पे इनके जो क्वालिटी है कॉम्प्रेस नहीं हुई है, डिग्रेड नहीं हुई है, काफी अच्छी क्वालिटी आपको मिल जाएंगी शेयर करने पर भी, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो आप इस तरीके से यहाँ पे जो फोटोज है वो शेयर कर सकते हो बिना क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज किए, आप एक साथ इस तरीके से फोटोज को शेयर कर सकते हो पीडीएफ फॉर्मेट में। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हमें जो हमारे सामने बैठा हुआ है या फिर जो खड़ा है उसकी हमें वीडियो रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है, लेकिन दोस्तों अगर आप चुपके से वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हो, मतलब आपको उसे बताना नहीं कि आप उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हो, ठीक है, उसे तो पता नहीं चलेगा क्योंकि जो स्क्रीन होगी आपकी तरफ होगी, लेकिन मान लो आपके आजू बाजू में या आपके बगल में कुछ लोग बैठे हुए या फिर खड़े हैं, वो तो आपकी स्क्रीन को देख सकते हैं तो उनको पता चल जाएगा कि आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हो। लेकिन दोस्तों अगर आप चाहते हो कि आप वीडियो रिकॉर्डिंग करो लेकिन आपके सामने वाले या फिर आपके बगल में जो बैठे हुए हैं उन्हें पता ना चले अगर वो स्क्रीन पे देखे भी, तो आप ऐसा कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, आपको कैमरा में वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट करनी है, ठीक है। जैसे ही वीडियो रिकॉर्डिंग आपने स्टार्ट कर दी आपको यहाँ पे क्विक पैनल को नीचे करना है इस तरीके से, ठीक है।
तो अब यहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग चल रही है और आपके स्क्रीन पे यहाँ पे आप क्विक सेटिंग टॉगल के साथ कुछ खेल रहे हो, आप यहाँ पे देख सकते हो। वीडियो रिकॉर्डिंग बंद नहीं हुई है, चल रही है, और फिर आपको जो करना है आप यहाँ पे कर सकते हो। आपको याद रखना है यहाँ पे क्लिक नहीं करना है, आपको केवल यहाँ पे स्वाइप करना है, ठीक है, ऐसे वैसे करना है, लेकिन आपको यहाँ पे किसी भी चीज पे टैप नहीं करना है, क्लिक नहीं करना है। और आपको लगता है कि बस हो गया मेरा काम खत्म, अब मुझे वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट करनी है, तो आपको वापस कैमरा ओपन नहीं करना है, आपको डायरेक्ट जाना है होम स्क्रीन पे, तो आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग कंप्लीट होकर सेव भी हो जाएगी। जैसे आप यहाँ पे जाओगे कैमरा में, आप यहाँ पे देख सकते हो ये वीडियो रिकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे की थी, ये यहाँ पे सेव हो चुकी है। तो बस इस तरीके से आप चुपके से किसी की भी वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो, और सामने वाले को या फिर बगल में जो बैठे हुए लोग हैं उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि आपने किसी की वीडियो रिकॉर्डिंग कर ली है उनके सामने। तो दोस्तों ये थी वो 3 सुपर ट्रिक्स जो आपको आपके फोन में मिल जाती है। आपको इनमें से कौन सी सुपर ट्रिक सबसे बेहतर लगी, और आपने कभी इन 3 सुपर ट्रिक्स में से किसी भी एक सुपर ट्रिक को यूज किया है और कब किया है, तो आप मुझे लिख सकते हो कमेंट बॉक्स में। दोस्तों ये था इस वीडियो में, अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप हमें पूछ सकते हो। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।